हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और अभी मेरा चम्पू चम्पू चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ, मैंने ऑयलिंग की है और आज मेरा हैदराबाद में लास्ट डे है। बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, मिक्स फीलिंग हो रही है। अच्छा भी लग रहा है बट अच्छा नहीं भी लग रहा है। एक्चुअली 7 साल तक नहीं आ रहे तो वही है, तो मैंने सोचा चलो ऑयलिंग कर लेते हैं, फिर अभी हेयर वॉश करूँगी। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने मोस्टली खाई है जिसकी मेरे हिमादन मैं क्लिप है वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और क्या करते हैं, तो और इनको भी मैंने ऐसे दूध चूरा दिया था। और अभी लंच तो हम बाहर से ही करेंगे, कुछ आई नो सेफ नहीं है बट कोशिश है कि अच्छी जगह से लेकर आए जहाँ पूरे सेफ्टी मेजरमेंट का पालन किया जा रहा है। और डिनर में मैं फिर आई सोची मटर पनीर पुलाव बना लूँगी, अगर हुआ तो रेसिपी शेयर करूँगी, वरना फिर अब बाकी लखनऊ जाकर, क्योंकि कुछ काम नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा अगर छोटा मोटा बहुत काम है। जो भी मैंने सब चिप्स वगैरह लिए थे ना सफ़र के लिए, उन सबको सॉर्ट आउट करके मतलब हिसाब से रखना है कि ज़्यादा स्पेस भी ना लें। और क्योंकि हमारे 2 बैग भी हैं, एक डिफ़ॉल्ट से रह गया है मोबाइल पैकेट से और एक इनका बैग है, तो वही है। और हमारे रिमझिम बादल शोर करेंगे तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो अभी सोचे थे आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ हैदराबाद का लास्ट टाइम, देखती हूँ अभी। तो अभी मैंने शावर नहीं लिया है अभी, ऑयलिंग की है अभी थोड़ी देर में करूँगी। और टाइम आई थिंक आफ्टरनून तो हो चुका है, आई थिंक 11:30 हो रहा है। और बस आराम आराम से कर रही सारा काम, क्योंकि कल ना पूरा दिन ऐसा ट्रैवल में जाने वाला है तो थोड़ा डर लग रहा है सोच के। और तेल लगाने के बाद बाल कैसे हो जाते हैं आराम से, शैम्पू शैम्पू। और ये जो दिख रहा है ना आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो, कई लोगों को लगता है कि मैंने बाल रोल किए बट नहीं। अब मैं कहाँ ये देखिए, यस, तो मेरे बाल ना ऐसे ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि लगता है लोगों को कि मैंने रोल किए हैं, ये देखिए। चलिए ये सब तो फिर कभी और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी मैं मेरे हस्बैंड बाहर गए, थोड़ा काम था तो वो आते हैं फिर। एक्चुअली मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं यहाँ की जो मार्केट है जो ओपन है कुछ शॉप्स वहाँ पे एक बार लास्ट बार जाके शॉपिंग कुछ छोटी मोटी करके आऊँ। आई डोंट नो कि जो दुकान से मुझे कुछ लेना है वो ओपन है या नहीं है, बट मेरा मन कर रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं बाई इवनिंग जाऊँगी। और हाँ, ग्लव्स वगैरह पहन के मास्क पहने वो तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है, तो वो करके जाऊँगी। बट मेरा मन कर रहा है एक बार जाने का, मैं अवॉइड कर सकती हूँ बट लास्ट टाइम फिर पता नहीं हैदराबाद कब आना हो। तो चलिए फिर अभी मैं देखती हूँ, पैकिंग वगैरह करूँगी तो आपको शेयर कर दूँगी कि कैसे मैं सामान को करी कि वो मोबाइल स्लिप वगैरह में हाथ से ऑयल लगा ना अभी भी इसलिए, तो मतलब ज़्यादा जगह भी ना घेरे और सब सामान आ भी गया तो मैं वही रखती हूँ। और मेरे ब्रदर इन लॉ भी आने वाले हैं, वो यहीं रहेंगे अभी, तो कुछ सामान मैं सोची उनके लिए छोड़ देती हूँ यहाँ पर कुछ, ताकि वो आएँ और फिर एकदम से कैसे करेंगे सब कुछ। तो कुछ चिप्स वगैरह जो भी कुछ ईडेबल आइटम्स मैं कुछ छोड़ दूँगी उनके लिए, ताकि थोड़ा आते आते कुछ परेशानी ना हो। तो अभी के लिए ऐसा है, बाकी जैसा होगा मैं आपको आपके संग शेयर करूँगी। चलती हूँ अभी के लिए, फिर मिलूँगी थोड़ी देर से, बाय। तो गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने मूसली खाई है। तो ये मूसली मैंने इस बार ग्रोफर से मंगाई है, ग्रोफर की स्पेशल मूसली है, आई थिंक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बट मुझे ये उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छा लगता है बट कुछ ज़्यादा ही स्वीट स्वीट लग रहा था, पता नहीं मैंने चीनी तो थोड़ी ही डाली थी। एनीवेज जो कैलॉग्स की मूसली आती है वो मुझे ज़्यादा पसंद आई है, इसीलिए मैंने ना इसका पहले छोटा पैक मंगाया था, 35 या 37 रुपीज़ का ऑफर में पड़ा था, मैंने आपको दिखाया भी था मेरे हॉल में, बट टेस्टी थी बट थोड़ा ज़रा मीठा। आलमंड्स के देख रहे कितने बड़े बड़े पीसेस में पड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको अपने घर के बाहर का व्यू थोड़ा दिखा देती हूँ एक और बार। तो ये बाहर का व्यू है, थोड़ा उजाला है, अभी आफ्टरनून का टाइम है शायद, मुझे सही से याद नहीं है। और मैंने सोचा कि एक लास्ट बार आप लोग को उजाले में अपने बिल्डिंग का सराउंडिंग का व्यू दिखा दूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर ये मेरा हैदराबाद का लास्ट डे है। सो बादल देख रहे हैं अभी भी काले काले हैं, और फिर बारिश भी हुई थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी बट कंटिन्यूसली हुई थी, और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। और ये देखिए नारियल का पेड़ मेरे बालकनी से दिखता है और बेडरूम के बालकनी से, और देखिए इसमें नारियल भी लगे, मैंने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है, पहले याद ही नहीं आया दिखाने के लिए। तो ये रहा कोकोनट ट्री, और ये सामने एक नया घर बना है, काफ़ी लेविश है, और बादल तो देख ही रहे हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बट जब बरसते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर आप घर के अंदर हैं सब कुछ परफेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर काफ़ी चीज़ें मैसी मैसी हो जाती हैं। तो हैदराबाद के बादलों को हम करेंगे बाय बाय, और अब चलते हैं अपनी पैकिंग की तरफ। तो ये मिलानो के जो बिस्किट्स मैंने लिए थे तो मैंने उसको डब्बे से निकाल लिया है, देखिए डब्बा, दोनों जो फ्लेवर्स हैं, तो क्योंकि मैंने सोचा कि डब्बे से ज़्यादा स्पेस लेगा तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि तो कम जगह में ज़्यादा सामान आ जाए, अच्छे से कॉम्पैक्ट रहे, तो बस वही है। तो उनको मैंने इसलिए अलग करके रखा है ऐसे कि ऐसे रखूँगी तो
इजी रहेगा। तो और ये मास्क है, मास्क तो मैं दो जो बंडल है वो मैं रख दूँगी बैग में, और एक जो है बंडल वो मैं रखूँगी अपने हैंड बैग में, ताकि यूज़ एंड थ्रो के लिए इजी रहे हमें, तो इसीलिए। और फिर ये मेरी दवा है कुछ, तो दवा भी जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने हटा दी है। बस जो मुझे जब तक मेरा मुँह पैकर का सामान नहीं आता है तब तक के लिए मैं दो जितना ही मुझे लग रहा ज़रूरी है उतने दिन के लिए वो मैं इधर रख रही हूँ। उसका भी बॉक्स मैंने हटा दिया है देखिए, और नमकीन वगैरह भी जो भी है सब मैं सही से उस हिसाब से रख लूँगी इसको। तो ये बैग मैंने चुना है सब सामान रखने के लिए, प्लास्टिक का है, थोड़ी मोटी हैवी प्लास्टिक है, काफ़ी अच्छा बैग है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बिस्किट वगैरह कुछ, और जो बिस्किट के पैक होते हैं ना रख जगह ऊपर का जो वो भी मैंने हटा दिया है। और ये चीज़ बैग्स के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कैसे रखूँ उसको, और एक टिश्यू बॉक्स जो कि ज़रूरी है। तो ऐसे कोशिश कर रही हूँ मैं इसको ऐसे एडजस्ट करके रखूँ, पकड़ के देख रही हूँ कि उठाने में कैसा है। और एक ये बैग है जिसमें मैंने मास्क वगैरह सैनिटाइज़र और स्प्रे रखा है, ये सब चीज़ें हैं। और ये जो दो बैग देख रहे हैं ये भी जाएंगे हमारे साथ, और एक ये बैग, इसमें मैं कुछ छोटा मोटा और सामान जो आइटम रह गया है अलग से उसको डालूंगी। और ये मैं आ गई थी जो बिल्डिंग में मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने, सोचा कि कल सुबह जाना है तो चलो आज सबसे मिल लेती हूँ, पूरी सेफ्टी एंड हाइजीन के साथ मैं गई थी उनसे मिलने। तो ये मैं अपार्टमेंट की अपनी सीढ़ियाँ दिखा रही हूँ आपको, और ये वापस आपस में मैंने क्लिप लिया कि मैं वापस अपने अपने फ्लोर तक चढ़ के जा रही हूँ। तो ये मैं बस वही आपको दिखा रही थी जितना शूट कर पाई, और ऊपर मैं आ चुकी हूँ अपने फ्लोर पे। ये मेरा फ्लोर है, टेरेस पेंट हाउस है मेरा, मतलब है नहीं था, तो वही मैं आपको दिखा। हेलो गाइस, मैं अपने घर आ गई अपने फ्रेंड से मिल के, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है, बट ये देखिए इवनिंग व्यू। तो यहाँ पे शाम को बारिश हो गई थी, मतलब बादल ऐसे ना कभी भी बारिश हो रही है जैसे बारिश का महीना सबको पता है, तो ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी बट थोड़ी थोड़ी हुई थी हल्की हल्की, तो छत भीग गई है वही मैं आपको शो कर रही हूँ। और देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा, शाम का समय हो चुका है और बस कल निकलना है। तो डिनर में हमने बनाया था मटर पनीर और नान, तो वही मैं क्लिप थोड़ी सी ऐड की है, जल्दी जल्दी में बनाया था तो इसलिए मैं रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करूँगी मैं। तो बस इतना ही है, और कल के लिए रेडी हैं हम लोग, बस अपना खाना इंजॉय करेंगे जो काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। और बस थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि कैसे बाय रोड जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतना लंबा जर्नी है तो कैसे करेंगे क्या है, थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस काफ़ी हो रही है, टेंशन हो रही है, बट देखते हैं। तो ये खाने के बाद वॉक के लिए मैं आ गई थी यहाँ पर टेरेस पे अपने, तो वही मैं सोचा चलो आपके संग और शूट कर लेती हूँ, फिर ये माहौल नहीं मिलेगा इस तरह से हमारे घर का जो भी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ। सेंटी हो गई थी मैं चलते चलते बस ये, और पीछे आप कपड़े दिख रहे हैं थोड़ा सा मैंने वो ढो के डाल दिए थे ऐसे ही, तो वही सब है। काफ़ी मिक्स फीलिंग है, और जल्दी उठना भी है, और जो थोड़ा बहुत थोड़ा सा भी चेक करना होगा कि कुछ एसेंशियल हमारा रह ना जाए, बाकी कुछ रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई ज़रूरी चीज़ ना रह जाए तो वही सब देखना है। तो मैं यहाँ पे आपसे फाइनली बाय बाय कर रही हूँ। और ये जो सामने लाइट दिख रही है ना आपको, ये बिल्डिंग है, इसी में एक ये बिल्डिंग सील हो चुकी है, इसमें एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसके बगल में लाइट बिल्डिंग वो ओल्ड एयरपोर्ट है जिससे मैंने पहले भी आपको दिखाया था। और ये रहे हमारे चंदा मामा, तो हैदराबाद से चंदा मामा को बाय बाय, अब लखनऊ के चंदा मामा को मिलेंगे हम, मतलब हम चल रहे हैं उनसे मिलने के लिए। ये एक तारा चांद के, और ये नाइट का व्यू सब कैप्चर कर लेना चाहती थी मैं, क्योंकि फिर मैं इस तरह से अपने घर का व्यू कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, ये मेरा मेन गेट है। और ये जो आपको रेड लाइट जलती दिख रही है ना, ये वो नेकलेस रोड जो मैंने आपको बताया था ना हुसैन सागर, वहाँ पे जो फ्लैग लगा रहता है इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऊंचा सबसे फ्लैग है वही था। और ये लाइट एयरपोर्ट जो बीच में है मिडिल में वाइट लाइट है, तो बेगमपेट एयरपोर्ट है, यहाँ से अक्सर ट्रेन उड़ते रहते हैं, पर्सनल नहीं मतलब सॉरी मतलब जो ऐसा रेगुलर उड़ानें नहीं होती हैं, स्पेशल प्लेन्स होते हैं वो होते हैं, तो वही है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लखनऊ में हूँ उस समय में, क्योंकि पहले नहीं कर पाई मैं, काफ़ी थकान हो गई थी, तो अभी ये सब देख के लग रहा है कि मैं कब इस सबको देख पाऊँगी। आई एम ऑलरेडी मिसिंग माई हैदराबाद होम एंड द एटमोसफेयर द वॉट एवरीथिंग इच एंड एवरीथिंग। वो जो पीछे अपार्टमेंट है वहाँ कुछ बच्चियाँ मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई थी, उनको इच एंड एवरीथिंग आप मिस करते हैं जब आप कहीं जाते हैं तो। और ये मैंने सोचा कि घर के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें उनको आपको दिखा दूँ,
ये रामचरित मानस यहाँ पे रखी हुई है, मेरे ब्रदर इन लॉ का कुछ चीज़ें हैं, उनके कुछ अवार्ड्स हैं, और ये बाइक उनके बचपन की निशानी दोनों भाइयों की थी, और ये हॉर्स देख सकते हैं आप, तो उसके पीछे ये बॉल है, ये उनको कहीं पे मिली थी सॉरी, और पीछे इंडिया का फ्लैग रखा है, ये कुछ उनके बचपन की चीज़ें हैं इन लोगों की, मतलब मेरे हस्बैंड की और मेरे ब्रदर इन लॉ की, और तो सोचा कि चलो शेयर करती हूँ। और लेडी ना फिल्म फेयर जैसी लग रही, लग रहा है स्टार अवार्ड है, बट वो उनका ऑफिस का अवार्ड है, जो भी कुछ है वही है। तो छोटी सी बाइक बहुत क्यूट लग रही है ना तो बस यही है। और एक लास्ट व्यू मेरे घर के अंदर का, साईं बाबा ओम जय साईं राम, इस इस तस्वीर को फिर मैं कब देखूंगी पता नहीं, जब तक ये कोरोना ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं आऊँगी यहाँ। और ये पूरा राम दरबार है यहाँ पे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीता, इनका आशीर्वाद लेके अब हम अपनी कल नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सब लोग भी हमें ब्लेसिंग दीजिए कि हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी हो, और मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, देखते रहिए रचना पैराडाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।